सो गाइस, पैरामाउंट से आज आपके लिए एक और बहुत शानदार सीरीज पैरामाउंट बुक से। आज आपके लिए ईडियम है बच्चों, कंप्लीट ईडियम हम लोग इसका करा रहे हैं। आज आपके कोर्स में रहेंगे इसके 50 ईडियम्स पूरे कवर। खूब अच्छा आपको मज़ा आने वाला है बच्चों, इसलिए एक एक ईडियम देखते रहेगा बच्चों ध्यान से, और मैं आपको विद मीनिंग क्लियर करता हुआ चलूँगा, और आप लोग खूब अच्छे से इनको स्टडी करें मेरे साथ में। खूब मज़ा आने वाला है बच्चों इस गैस। सो यहाँ पे बच्चों शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे पेज एक बराबर में दिख रहा होगा जहाँ उस पर लिखा है पहला ईडियम बच्चों, कह रहा है कि एखिल्स हिल। एखिल्स हिल्स बच्चों देखिए, एखिल्स हिल्स मतलब एक कमज़ोर पहलू। क्या मतलब कमज़ोर पहलू? देखिए मीनिंग तो आपको दिख ही रहा है, मेरा काम आपको सिर्फ याद कराने का है। याद कैसे रखेंगे इसको आप? देखिए आपको पता है कि जो हील्स मतलब चप्पलें जो होती हैं हमारी हील वाली, तो वो कितना कमज़ोर रहती हैं उसी एरिया से ही। तो एखिल्स हील्स मतलब चप्पलें जो है हमारी हील पे से ही बहुत कमज़ोर होती हैं, जो टूटते हैं पहले वहीं से ही टूटती हैं आपके चप्पलें वो। तो उनको ऐसे याद रखें आप लोग स्लीपर्स को, कि स्लीपर्स जो हैं हील पे से बहुत कमज़ोर हैं, तो एखिल्स हील्स। अगला आइटम देखिए, कह रहा है कि ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐड फ्यूल टू द फायर। फायर लगी हुई है यानी आग लगी हुई है कहीं पे, आपने उसके अंदर थोड़ा सा फ्यूल और डाल दिया, तो यानी कि आपने आग में और भड़का दिया आग को। सो आग में घी डालना मीन्स टू मेक अ मैटर वर्स, मतलब स्थिति को और बदतर बनाना, स्थिति को और बदतर बना देना, स्थिति को और ख़राब कर देना, फ्रॉम बैड टू वर्स भी इसको आप बोल सकते हैं। तो गैस ये हो आपका सेकेंड ईडियम। कह रहा है कि एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब यानी कि एक ऐसी चेयर जिस पर आप बैठ करके अपने हाथ रख करके अपने आराम से बैठ सकें और जॉब कर रहे हों, यानी कि एक अच्छी जॉब, ऐसी जॉब जो कि बहुत आरामदायक है। आप इसके लिए बच्चों एक आइडियम और याद रख सकते हैं जिसका नाम है आपका अ वाइट कॉलर जॉब। अ वाइट कॉलर जॉब यानी कि एक ऐसी जॉब जिसमें आपका कॉलर तक भी गंदा ना हो, बहुत शानदार जॉब। अ वाइट कॉलर जॉब यानी कि बच्चों आरामदायक जॉब, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। यस, ऐसी जॉब जिसमें इनकम ज़्यादा हो और कंफर्ट भी ज़्यादा हो और काम कुछ ना करना पड़े। यस बच्चों, सो ऐसी जॉब। अगला आइडिया में कह रहा है कि एन एक्स टू ग्राइंड। हालांकि बच्चों ग्राइंड यानी कि पीसना होता है और एक्स माने कुल्हाड़ी, और आप कुल्हाड़ी से कोई भी चीज़ नहीं पीस सकते क्योंकि कुल्हाड़ी बहुत मोटा एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप किसी जंगल वंगल में हो और आपको मजबूरन वहाँ पर कुछ मिल जाए खाने के लिए, रोटी के साथ में चटनी वटनी बनाने के लिए, तो आप उससे चटनी बनाएंगे और खाएंगे। सो गैस यानी कि आपके पास मजबूरी होगी कुल्हाड़ी से काट के लाना, जो भी काट के लाना है कुल्हाड़ी से चटनी बनानी है आपको, रगड़ गए तो। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अपना उल्लू सीधा करना, अपना उस टाइम पर टारगेट पूरा करना, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने उस टाइम पे सेल्फिश रीजन के लिए आपने काम किया, तो एन एक्स टू ग्राइंड। बच्चों एन आयरन विल, अगला आइडिया में आपका कह रहा है कि एन आयरन विल। बच्चों एन आयरन विल मतलब एक ऐसी इच्छा जो कि बहुत दृढ़ है। आयरन बोलते हैं लोहे को और विल बोलते हैं इच्छा को। तो यानी कि एक ऐसी इच्छा जो कि बहुत दृढ़ रही हो आपकी, एक आयरन विल मतलब दृढ़ इच्छा। कैसी इच्छा बच्चों? दृढ़ इच्छा, मजबूत इरादा, मीन्स स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगला है एन ओल्ड फ्लेम। तो गाइस यहाँ पे फ्लेम के जो हैं कई सारे मतलब हैं बच्चों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बचपन में हमने भी खूब इससे चमत्कार किए हैं। फ्लेम्स की पूरी स्पेलिंग आप लोग लिखते हैं, और बचपन में ऐसे बचपन से मतलब इतना बचपन में नहीं, 11वीं 12वीं के बाद में बता रहा हूँ, मतलब हम भी क्या करते थे, हमारे सब दोस्त भी क्या करते थे, सब गर्ल्स भी क्या करती थी, आपने भी किया होगा। फ्लेम का जो हिंदी मीनिंग है वो है आपका चमत्कार या लपटे। क्या बच्चों? चमत्कार या लपटे। लेकिन गाइस यहाँ पे ज़रा समझें इसको, हम लोग क्या करते थे बच्चों के, आपका वो पार्टनर जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं या जिससे आप प्यार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी उससे शादी होगी या नहीं होगी, तो क्या करते थे, अपना नाम लिखा, जैसे मेरा नाम मान लीजिए सौरभ है जिसमें मेरे 6 अक्षर आते हैं, और पूजा जिसमें कि 5 अक्षर आते हैं, और हम देखते थे कि 11 अक्षर हो गए हैं, और फिर 11 नंबर करते थे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 काट दिया, फिर ऐसे शुरू कर दिया। ऐसे करते करते लास्ट में जो बचता था उसको अंदाजा लगाते थे कि हाँ क्या होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ बच्चों, यहाँ पे एफ से फ्रेंड्स, एल से लव मैरिज, ए से अरेंज मैरिज, एम से मैरिज, ई से एनिमी, एस से सिस्टर, तो ऐसे करके एक सीरीज चेक करते थे बच्चे। तो यहाँ पे ये फ्लेम का मतलब बड़ा शानदार मतलब है भाई। तो एन ओल्ड फ्लेम मतलब एक पुराना प्यार, मतलब देख रहे ना आप, समझ रहे ना कहानी को बच्चों। फ्लेम का इस्तेमाल करते थे प्यार चेक करने के लिए कि मेरी उससे शादी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, फ्रेंड बनेगी, सिस्टर बनेगी, एनिमी बनेगी, ये चेक करने के लिए। यानी कि एक ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार, क्या बच्चों मतलब पुराना प्यार। तो गाइस यहाँ पे अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। अगला बच्चों, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, एक ओल्ड हेड रख दिया यंग शोल्डर पे। तो गाइस यानी कि देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, यंग मतलब जवान, ओल्ड माने बूढ़ा। तो गाइस यहाँ पे शरीर जवान है, सिर बूढ़ा है, मीन्स उम्र से ज़्यादा समझदार होना, उम्र से ज़्यादा समझदार होना। सो मीन्स अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। अगला बच्चों, एन ओलिव ब्रांच, क्या बच्चों ओलिव ब्रांच, बच्चों ओलिव बोलते हैं जैतून को। ओलिव आपका होता है ग्रीन कलर का, और ग्रीन होता है शांति का प्रतीक, ग्रीन होता है बच्चों शांति का प्रतीक। तो एन ओलिव ब्रांच मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शांति के संकेत देना, मीन्स शांति का निवेदन करना, पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। सो गाइस यहाँ पे आपका इसका आंसर है पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी। अगला है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बच्चों डिस्कॉर्ड बोलते हैं झगड़े को, और झगड़ा किस बात पर है, एप्पल पर, किस पे बच्चों एप्पल पर, क्योंकि एप्पल एक है और खाने वाले दो। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई मतलब बच्चों किसी की आंख का तारा, मतलब बहुत अधिक प्रिय होना। एप्पल ऑफ वंस आई किसी की आंखों का तारा या प्यारा, बहुत दुलारा, वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने के लिए, और आपने क्या ऑर्डर किया वहाँ पे, एप्पल ऑर्डर किया। पाई मीन्स समोसे या फिर कुछ ऐसी कोई चीज़ जो कि समोसों की जैसी हो, समोसे हो गया आपका, ब्रेड पकौड़ा हो गया, या कोई भी चीज़ चटपटी पकौड़ी हो गई, एप्पल पाई ऑर्डर आपने किया, मतलब आपने साफ़ सुथरा और सुव्यवस्थित ऑर्डर किया, आपने उसमें कोई भी ड्रिंक या फिर कोई भी अल्कोहलिक पदार्थ आपने नहीं मंगाया। सो गाइज इन गुड कंडीशन। अगला है एट अ लॉस, एट अ लॉस, तो गाइज यहाँ पे आपका जो है लॉस हो चुका है और आप इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि आप करना क्या है, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय ना ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड, डिसीजन ना ले पाना। अगला बच्चा है आपका एट अ पिंच, एट अ पिंच, बच्चों पिंच वैसे बोलते हैं चुकोटी मारने को, चुटी मारने को। सो गाइज ऐसी स्थिति में आपके सब, आपको पिंच हो रहे हैं आपको सब, मीन्स आपने लोगों से कर्जे ले रखे हैं और आप उनको चुका नहीं पा रहे हैं, तो लोग आपको कचोट रहे हैं, मतलब रियल में ना कचोट करके आपको सब जने कह रहे हैं कि भाई मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, आप चारों तरफ से पैसा 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 सुन रहे हैं। आप समस्या में इस समय, आप ट्रबल में हैं, इन अ ट्रबल, इन अ ट्रबल। अगला देखिएगा, कह रहा है कि एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, यानी कि इतनी दूरी पर जितनी दूर आपकी आर्म्स, यानी कि अपने से दूर रखना, कितनी दूरी पर जितनी आपकी आर्म्स, मीन्स परहेज करना, क्या करना, परहेज करना या दूर रहना किसी से, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। अगला बच्चों देखिए ध्यान से कितना सुंदर है, कह रहा है कि एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, बच्चों डैगर बोलते हैं खंजर को, किसको बोलते हैं डैगर, खंजर को, कृपाण जो सरदारों के पास होती है, और मैंने सुना है ऐसा, मुझे पता नहीं है कि वो जल्दी से उसको बाहर निकालते, क्योंकि अगर बाहर निकालेंगे तो वो रक्त लेके अंदर जाएगी। तो गाइस एस डैगर ड्रान, ड्रान माने होता है खींचना, क्या होता है ड्रान माने खींचना। लाइक मान लीजिए आपने कुछ भी चीज़ खींच दी और आपने उससे कुछ डायग्राम बना दिया, लाइक मैंने यहाँ पे टू बना दिया, फिर टू से मैंने यहाँ पे बत्तख बना दी। तो गाइस एट डैगर्स ड्रान, एस डैगर्स ड्रान मतलब खंजर खींच लेना जरा सी बात पे ही। सो गाइस यहाँ आपका मतलब हो जाएगा कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव अ बिटर एनिमिटी। एट ईज, एट ईज, बच्चों ईज जो है आपका, जैसे कि इसका अगर हम लोग डिस लगा दें, डी आई एस, तो गैस क्या हो जाएगा, डिजीज। बच्चों जब भी किसी वर्ड का आगे आपका आ जाता है डिस, मतलब उसका हो जाता है उल्टा, मतलब डिस ईज, बीमारी,
आपने डिस हटा दिया, इसका मतलब स्वस्थ, एट ईज मतलब चिंता रहित, बिना किसी दुख दर्द के, फ्री फ्रॉम पेन एंड एनजाइटी। तो गाइस एट ईज मतलब स्वस्थ स्थिति में होना, स्वस्थ स्थिति में होना। एट वंस फिंगर्स एंड, एट वन फिंगर्स एंड मतलब पूर्ण जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज मतलब जहां तक मतलब आपकी उंगली भी जा सके। तो गाइस कंप्लीट नॉलेज होना किसी चीज के बारे में। एडवांस विट्स एंड मतलब विट बोलते हैं अकल को, किसको बोलते हैं विट माने अकल होना। तो गाइस यहां पे विट आपकी एंड हो गई है मतलब उसने काम करना बंद कर दिया है। एडवांस विट एंड मींस दुविधा में होना, फैसले ना ले पाना, चकित होना, पजल कंफ्यूज या परप्लेक्स्ड होना। एडवांस विट एंड अगला देखिए यहां पे कह रहा है कि एट सिक्सेस एंड सेवन, एट सिक्सेस एंड सेवन बच्चों देखिए अगला, एट सिक्सेस एंड सेवन मींस सब कुछ तितर बितर हो जाना, सब कुछ तितर बितर हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, इन डिसऑर्डर। एट स्टेक बच्चों स्टेक बोलते हैं दाव को, मतलब सब कुछ दाव पे लगा होना, क्या लगा होना सब कुछ दाव पे लगा होना, मतलब आपने कोई मैच वगैरह में जो है अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है, अब आप परेशान हैं कि क्या होने वाला है। एट स्टेक मतलब दाव पर, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। नेक्स्ट चेक कीजिएगा अपना क्या कह रहा है, कह रहा है कि एट द 11th आवर बच्चों आपको पता है कि घड़ी के अंदर होते हैं 12 घंटे और बिल्कुल आपने बिल्कुल 11वें घंटे में कोई काम किया है। एट द 11th आवर मींस बिल्कुल अंतिम समय पर, कब बच्चों बिल्कुल अंतिम समय पर, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट मतलब धोनी हिट द सिक्सेस एट द लास्ट मोमेंट या फिर एट द 11th आवर इन द मैच, बिल्कुल लास्ट बॉल पर धोनी ने सिक्स मार के मैच को जिताया। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि बैक स्टेयर्स गॉसिप बच्चों, बैक स्टेयर्स गॉसिप, स्टेयर्स बोलते हैं सीढ़ियों को, घरों में जो जिन्ना होता है हिंदी में उसको जिन्ना बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं। अब आप उस पर बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, आप ऑफिस में ना होकर के, अपने काम की जगह ना होकर के आप वहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, तो गॉसिप बोलते हैं बातचीत करने को, यानी कि नौकरों के बीच में गपशप या फिर काम करने वालों के बीच में गपशप। तो टॉक अमंग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे अगले पेज पे चलना होगा आपको नेक्स्ट के लिए, कह रहा है कि बैड ब्लड बच्चों, इससे जो आपके दो आइडियम्स आते हैं आपका एक ब्लू ब्लड एक बैड ब्लड, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। ब्लू ब्लड मीन्स अच्छे परिवार से होना, बैड ब्लड मतलब बुरे परिवार से होना, घोर शत्रुता होना। तो क्या यहाँ पे बैड ब्लड है एनिमिटी या फिर बिटर रिलेशंस शत्रुता होना। अगला है बैग एंड बैगेज, इससे आपकी ग्रामर में भी बहुत एरर आती है बच्चों, इसलिए आप थोड़ा सा इससे बच कर रहिएगा बच्चों। बैग और बैगेज का मतलब है बोरिया बिस्तर सहित, बोरिया बिस्तर सहित। लोग बाग यानी कि ग्रामर वाले इसके अंदर आपको विद लगा देते हैं, ही रेन फ्रॉम हेयर विद बैग एंड बैगेज, ही रेन फ्रॉम हेयर विद बैग एंड बैगेज मतलब वो यहाँ से बोरिया बिस्तर सहित भाग गया। सहित के अर्थ में यहाँ पे वो विद लगाता है लेकिन आपका विद इनसे पहले नहीं आएगा। बैग एंड बैगेज अपना में काफ़ी है, बोरिया बिस्तर समेत मतलब विद ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स। अगला है आपका बेकर्स दर्जन, क्या आपका बच्चों बेकर्स दर्जन बच्चों क्या है बच्चों स्कीम में बता दूँ आपको। लाइक मान लीजिए क्या होता है कि आप लोग कभी किस काम करेंगे तो पता चलेगा आपको, मतलब मैंने काम नहीं किया है लेकिन मुझे पता है बच्चों। आप लोग जब क्या करते हैं ब्रेड खरीदे अपने दुकान से या फिर अपने 12 बन खरीदे, तो क्या होता है बच्चों बेकर्स वाले क्या करते हैं आपको 12 ब्रेड खरीदने पर एक ब्रेड देते हैं बिल्कुल मुफ्त, वो आपकी इनकम है। लाइक आप टीवी शोरूम पे जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि टीवी वाले ने आपसे कहा कि देखिए टीवी जो है मेरा ये 14,799 का आया हुआ और मैं आपको 15,000 का बेच रहा हूँ, 200 रुपये कमा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बिल दिखाया था बकायदा पूरा, वो आपको लगता है कि हाँ वाकई में इसने मुझे बिल दिखा दिया है तो 200 तो चाहिए भी व्यक्ति को। लेकिन गाइस क्या होता है आप इनको जो है स्कीम मिलती है बच्चों, लाइक मान लीजिए अगर आपने उनसे 20 टीवी उठाए हैं किसी बड़े शोरूम से तो एक टीवी आपको फ्री मिलता है 14,000 रुपये का। तो गाइस आप सोचिए आप लोग ये एक टीवी उनकी इनकम है, यानी कि अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो 700-800 रुपये तो वैसे ही कमा रहे हैं टीवी पर और आपसे वो 200 रुपये लेकर के फिर से कमा रहे हैं, यानी कि मिनिमम 1,000 वो एक टीवी पर कमा ही रहे हैं बिल्कुल ना कमाते हुए भी। सो गाइस बेकर्स दर्जन मतलब गिनती में 13, गिनती में 13 क्योंकि वो 12 पर एक फ्री दे रहा है इसलिए गिनती में 13, गिनती में 13 संख्या में 13, 13 नंबर।
बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन माउथ, यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पे सिल्वर मतलब चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, तो गैस यहाँ पे कितनी कीमती बात है आप खुद सोच सकते हैं, मतलब बहुत रहीसी के साथ पैदा होना, धनी परिवार में पैदा होना, जैसे कि मुकेश अंबानी के बच्चे, यस, जैसे कि आदित्य बिरला के बच्चे, जैसे कि गौतम अडानी के बच्चे, यस, आपके होने वाले बच्चे भी इस बात को कहें बच्चों, तो गैस यहाँ पे अच्छा लगेगा मुझे, बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन्स माउथ, इस तरह से, बी इन अ ड्राइविंग सीट, बच्चों ड्राइविंग सीट पर बैठना मतलब सबकी जिम्मेदारी लेना, सिंपल सी बात है, अब आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी है बस की, कार की, ट्रेन की, मोटरसाइकिल की, किसी भी चीज़ की, तो बी इन अ ड्राइविंग सीट मतलब पूरी जिम्मेदारी होना, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बेरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बियर द बर्न ऑफ, बच्चों यहाँ पे ब्रंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बियर मतलब सहना, बियर माने सहना, तो यानी कि आपसे कुछ भी गलत हुआ है आप उस सब का परिणाम भुगत रहे हैं, उसके लिए टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। अगला देखिए ध्यान से, कह रहा है कि बीट अबाउट द बश, यानी कि बात को घुमा फिरा कर कहना, मीन्स टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु ऑलवेज बीट अबाउट द बश डोंट स्पीक क्लियरली, तो वो कभी भी बात को साफ नहीं बोलता है, वो बात को घुमा फिरा के बोलता है, तो बीट अबाउट द बश मतलब बात को घुमा फिरा के कहना, बात के दो अर्थ निकालते हुए कहना। अगला कह रहा है कि बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब आपने किसी को इतना पीटा कि वो ब्लैक और ब्लू मतलब काला और उसके ऊपर नील भी पड़ गए, क्या पड़ गए उसके ऊपर नील पड़ गए बच्चों, तो गैस यानी कि बहुत बुरी तरह से पिटाई करना, बीटिंग मर्सीलेसली। अगला बच्चों बीट हॉलो, HAHOLLOW, बीट हॉलो, सो गाइज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बीट हॉलो, बच्चों ध्यान दीजिएगा, बीट माने पराजित करना, हॉलो आपका एक वर्ड है मतलब किसी को बहुत आसानी से बिना कुछ मेहनत करे, टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली मतलब बहुत ही आसानी से किसी को हरा देना। इंडिया बीट बांग्लादेश इन 2011 वर्ल्ड कप, सो गाइज यहाँ पे आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया बीट हॉलोली बांग्लादेश इन 2011 वर्ल्ड कप, तो उन्होंने उसको पहले मैच में ही बहुत ही आसानी से बीट कर दिया था, आपने मैच देखा होगा जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने 178 रन चेस के मारे थे बच्चों वहाँ पे। अगला है बच्चों आपका ब्लैक बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल, बच्चों बैक बोलते हैं इशारे को, किसको बोलते हैं इशारे को, और कॉल मतलब बुलाना, किसी को इशारा करके बुलाना मीन्स आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, किसी को आज्ञा इशारा करके बुलाना। अगला देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है, बेड ऑफ रोजेस, ये दो एक साथ आपके आते हैं, बेड ऑफ रोजेस और बेड ऑफ थ्रोन्स, बच्चों थ्रोन्स बोलते हैं कांटों को, रोज़ बोलते हैं गुलाब को, मतलब रोजेस मतलब कोई बहुत ही आसान या फिर आनंद में, और थ्रोन्स मतलब बहुत तकलीफ भरा, तो गाइस यहाँ पे बेड ऑफ रोजेस मतलब कोई आसान मतलब आनंद से भरा हुआ, बेड ऑफ थ्रोन्स मतलब कष्टों से भरा हुआ, बहुत इजी है, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कम्फर्ट, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। बच्चों अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बैगर डिस्क्रिप्शन, बच्चों बैगर बोलते हैं भिखारी को, किसको बोलते हैं भिखारी को, और उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन करना, जो कि नामुमकिन है आपके लिए करना, तो बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ जिसको आप वर्णन ना कर सकें, मतलब अपने शब्दों में बयान ना कर सकें, अवर्णनीय, अ पर्सन विद नो रिसोर्स, द कंडीशन ऑफ माई फ्रेंड दीज डेज इज बैगर डिस्क्रिप्शन, जो कंडीशन है मेरे फ्रेंड की इन दिनों वो बैगर डिस्क्रिप्शन यानी कि अवर्णनीय है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। अगला कह रहा है कि बैल द कैट मतलब बच्चों बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क, टू बैल द कैट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, या फिर कह सकते हैं आप लोग टू मेक हिम अंडरस्टैंड इज जस्ट लाइक अ बैल द कैट,
उसको समाज उसको समझाना ऐसे समझ लीजिए जैसे बिल्ली गले में घंटी बांधना। तो गैस इसका हो जाएगा टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। एक तरफ तो है बच्चों आपका डेविल मतलब राक्षस और एक तरफ है आपका समुद्र। क्या बच्चों? समुद्र मतलब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, मतलब दोनों तरफ से विपरीत परिस्थिति में होना। सो गाइज आप कह सकते हैं बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। बिग गन यानी कि बच्चों ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति जिसको एक बहुत बड़ी गन मिली हुई हो या फिर गन को रखने वाले तो गार्ड मिले हुए हों, एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अगला बच्चों बर्ड ऑफ पैसेज, ध्यान दीजिएगा बर्ड ऑफ पैसेज। ऐसा कोई व्यक्ति, पैसेज बोलते बच्चों समय के लिए भी, बर्ड मतलब चिड़िया जो कि कभी कभी उड़ती हुई आती है कभी कभी नहीं आती है, ऐसे याद रखें इसको आप लोग। तो कभी कभार आने वाला कोई व्यक्ति वन हु कम्स ओकेजनली। अगला देखिए बच्चों इसी से बना आपका बर्ड्स आई व्यू। बच्चों बर्ड्स आई व्यू दो आइडिया बनते हैं हमारे पास में, एक तो बर्ड्स से और एक बनता है ईगल आई व्यू। क्या बनता है बच्चों? ईगल आई व्यू। सो गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सिर्फ ऊपरी तौर पर निगाह रखना, यस ओवर व्यू मतलब ऊपरी तौर पर सिर्फ नोट ध्यान से देखना, ईगल आई व्यू मतलब पैनी निगाह रखना, सरसरी निगाह रखना। क्योंकि बच्चों ध्यान रखिएगा ईगल जो है 1 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेती है और उसे ढाका ले जाती है। जहाँ आसपास ईगल होती है वहाँ आसपास कोई बीमारी नहीं पनपने देती है ईगल। आजकल तो देखने को कम मिलती हैं लेकिन अपने आसपास कोई बीमारी नहीं पनपने देती है बच्चों ईगल, ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है कि बर्ड ऑफ फेदर। बच्चों ये आइडियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो हैं कई सारे रूप हैं, जैसे कि बर्ड ऑफ फेदर, चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक, चिप्स ऑफ ओल्ड ब्लॉक, यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पीपल विद द सेम आइडिया, करेक्ट करेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्टेड। तो गाइस यहाँ पे बर्ड ऑफ सेम फीदर्स, बर्ड ऑफ सेम फ्लॉक या फिर चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक, चिप्स ऑफ ओल्ड ब्लॉक, ये चार एडियम इस सेम मीनिंग के लिए निकलते हैं। अगला है बाइट द डस्ट। क्या बच्चों? बाइट द डस्ट, बाइट माने होता है बच्चों चबाना या चाटना, तो बच्चों डस्ट यानी कि धूल चाटना कह सकते हैं कि हार जाना, पराजित हो जाना। अगर आपको किसी ने हरा दिया तो आप धूल ही चाटेंगे, तो पराजित हो जाना, टू बी डिफीटेड। अगला बच्चों ब्लैक शीप मतलब बिल्कुल, अगर वाइट शीप जा रही हैं और उनमें ब्लैक शीप आपको दिख जाए तो बिल्कुल अलग ही दिखेगी, मीन्स बदनाम व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो परिवार और किसी भी टीम या सदस्य के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली या फिर टीम एटीसी। ब्लैक शीप, एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप, हर परिवार के अंदर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उनके लिए बदनामी का कारण बनता है। अगला है आपका ब्लाइंड एले मतलब अंधों की तरह किसी काम को करना जिसमें तरक्की की कोई गुंजाइश ना हो। सो गाइस यहाँ पे ब्लाइंड एले मीन्स कोई कार्य जिसमें प्रगति संभव ना हो, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। अगला है बच्चों ब्लाइंडेड मतलब किसी अनजान व्यक्ति से जाके मिलना, ब्लाइंडेड डेट पे जाते हैं बच्चे, आपने सुना होगा बच्चों, गए भी होंगे आप में से कई लोग, तो बच्चों ऐसे, लेकिन ब्लाइंड डेट मतलब किसी अनजान व्यक्ति से मिलने जाना, किसी अनजान व्यक्ति से मिलने जाना। आपने एक गाना सुना होगा एक सलमान खान का, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, या फिर आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर आमने सामने बात होगी। तो गाइस यहाँ पे पता ही नहीं है आपको कि कौन व्यक्ति कौन नहीं है, इसके लिए लगाया है अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नेवर मेट बिफोर। अगला देखिएगा कह रहा है कि ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, मतलब सिर्फ अपनी अपनी ट्रम्पेट बजाना, मतलब अपनी अपनी तारीफें मारना, अपने मियाँ मुँह मिठू बनना, टू प्रेज वन सेल्फ। अगला बच्चों ब्लू ब्लड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बैड ब्लड के साथ में शाही व्यक्ति, एक अच्छे परिवार से होना, रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। अगला है ब्लू बुक। क्या बच्चों? ब्लू बुक, ये बड़ा अच्छा है बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ब्लू बुक मतलब सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, ये बिल्कुल ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। अगला है बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड
सोल, मतलब आपने पूरी ताकत झोंक दी अपने किसी काम को करने में, अपना अपने बॉडी भी लगा दिया, अपनी आत्मा से भी आप पूरी तरह से लग गए, मतलब कंप्लीटली एंटायरली पूर्णते। यस ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड विद बॉडी एंड सोल टू गेट अ जॉब इन एस असिस्टेंट। सो गाइस यहाँ पे बॉडी एंड सोल मतलब पूरी ताकत झोंक देना। अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो गाइस याद रखिए इसको, उसेन बोल्ट से, उसेन बोल्ट जो कि दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले हैं व्यक्ति हैं उसेन बोल्ट। तो बच्चों बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो बच्चों बोल्ट यहाँ पे मैंने गलती से बोल्ट लिख दिया है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू उसेन बोल्ट। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब उस पर अचानक से कोई संकट आ गया है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। एक और इसमें आइडियम है आपका क्या बना वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग, उसे भी निपटाते हैं। कह रहा है कि बोन ऑफ कंटेंशन, बोन बोलते हैं बच्चों हड्डी को, लाइक सोच लीजिए कि दो कुत्ते हैं और हड्डी का टुकड़ा एक पड़ा हुआ है और गाइस उनको वो ठानी है, तो क्या होगा बच्चों उनके बीच में झगड़ा होगा। क्या होगा उनके बीच में झगड़ा होगा, मतलब झगड़े का कारण होना, जैसे कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था आपका, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था आपका झगड़े का कारण होना। सो गाइस यहाँ आपके ये 50 इडियम्स होते हैं समाप्त कुछ मेरे अंदाज में। गाइस आपको अगला 50 इडियम्स का वीडियो मिलेगा अब कल इसी समय, तो फिलहाल जुड़ रही है हमारे चैनल से गाइज, और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।